मोदी सरकार ने जिस तरह से पिछले 2 सालों से दिल्ली के अंदर फर्जी शराब घोटाले का मुखौटा लगा करके राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा आम आदमी पार्टी को खत्म करने का, अरविंद केजरीवाल को खत्म करने का जो अभियान चलाया था, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ईडी को सीबीआई को अपना हथियार बना करके फर्जी आरोपों के आधार पर एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करवाया, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया, सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया, और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी तिहाड़ जेल गिरफ्तार करके भेज दिया गया। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह जी की जमानत मिलने के बाद एक बात स्पष्ट हो गई है कि जो बात बार बार कही जा रही थी कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रमाण के, डरा करके, धमका करके, दबाव बना करके लोगों को सरकारी गवाह बना करके, झूठे आरोप लगा करके ये सारी गिरफ्तारियां की गई हैं, कल सुप्रीम कोर्ट में ये सारा सच सामने आया है। ये भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र और तानाशाही की सबसे बड़ी हार है। कल उनके सभी साजिशकर्ताओं को मुंह की खानी पड़ी है। 6 महीने से आपने बार बार सुना होगा अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार क्यों किया। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता एक ही बात दोहराते हैं, नौ नौ संबंध भेजा, नौ नौ संबंध भेजा, नौ नौ संबंध भेजा, और अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं आए इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कल कोर्ट के सामने ये बात आई, संजय सिंह को एक भी समन नहीं भेजा गया, अचानक बिना समन भेजे ईडी संजय सिंह जी के घर में घुसी और 5-6 घंटे बाद उठा करके लेके चली गई। 6 महीने जेल में रखा और निकला क्या? कोई सबूत नहीं, कोई मनी ट्रेल नहीं, 6 महीने में कुछ भी नहीं मिला। कल ईडी के सामने बोलने के लिए, ईडी कोर्ट के सामने ईडी को बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। यह है इस पूरे केस की सच्चाई। और इसी तरह से षड्यंत्र करके हमारे सभी नेताओं को, और इसी तरह के षड्यंत्र करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी बिना एफआईआर, बिना किसी आरोपी के आप मुख्यमंत्री को उठा करके आपने जेल में बंद कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल संजय सिंह जी की जो जमानत मिली है उसने भारतीय जनता पार्टी के इस सारे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है, और ये एक बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है, उनके षड्यंत्रकारियों को एक हार मिली है। इसमें निश्चित रूप से जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी ने गिरफ्तार करवाया, उसके बाद जिस तरह से रामलीला मैदान में पूरा देश इकट्ठा हुआ, दिल्ली के लोग इकट्ठे हुए, पूरे देश में इसके खिलाफ आवाज उठ रही है, कोई मुखर होकर के बोल रहा है और कोई अपने दिल के अंदर बोल रहा है कि ये ज्यादती हो रही है, अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है अत्याचार, यह अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा हो रही है।
हर व्यक्ति के जुबान पर यही बात है आज। ये तो अब हदें सारी पार कर रही है, ये तो तानाशाही हो रही है। दुनिया के अंदर भी आज हमारे देश का नाम बदनाम हो रहा है। रामलीला मैदान की रैली के बाद आज भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रकर्ता दबाव में, भारतीय जनता पार्टी के सारे साजिशकर्ता आज दबाव में, और आज उनको यह लगता है कि कहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी उनके लिए भारी न पड़ जाए, क्योंकि आज पूरे देश के अंदर अगर गांव चट्टी चौराहे से लेकर के दुनिया के अंदर आज अगर चर्चा हो रही है तो एक ही बात की हो रही है कि जिस मुख्यमंत्री ने लोगों के लिए अपने जिंदगी को समर्पित किया, काम किया, आखिर आज वो जेल के अंदर क्यों है? क्या उसके खिलाफ कोई सबूत मिला है? क्या उनके खिलाफ कोई सजा हुई है कोर्ट में? नहीं। निराधार, जिस तरह से संजय सिंह को निराधार केवल आरोपों के आधार पर तिहाड़ जेल में 6 महीने बंद रखा गया, उसी तरह से आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी केवल आरोपों के, और आरोप लगाने वाला कौन है? आरोप लगाने वाले वो व्यक्ति हैं जिसको डरा करके, धमका करके भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने जिस तरह से लोगों को डरा करके, धमका करके और बेवजह फर्जी बयानबाजी लिखवा करके और गिरफ्तारी की है। आज भारतीय जनता पार्टी में कल सुन रहा था भाजपा के प्रवक्ता, सारे एक बात कह रहे थे, देखो ईडी कितनी निष्पक्ष है, देखो संजय सिंह की जमानत मिल गई, ईडी निष्पक्ष है। शर्म नहीं आती है? 2 साल से एक टेप रिकॉर्ड बजाते हो कि जमानत क्यों नहीं मिल रही है, जमानत क्यों नहीं मिल रही है, जमानत क्यों नहीं मिल रही है, जमानत नहीं मिल रही है इसलिए तुम बेईमान हो, और अब जमानत मिल गई तो कह रहे हो ईडी निष्पक्ष है, तुम तो बेईमानी हो। अब जमानत, संजय सिंह की जमानत उनकी ईमानदारी का पैमाना नहीं है, ईडी की निष्पक्षता का पैमाना है। थोड़ा तो शर्म करो, पाप का घड़ा भर रहा है। हम बचपन से ये कहानियां सुनते हैं कि जब आशीर्वाद लेकर के, वरदान लेकर के किसी को ताकत मिल जाती तो सत्ता के अहंकार में चूर हो जाता, फिर वरदान देने वाले को ही उसके समाधान का रास्ता निकालना पड़ता है। रावण को भी वरदान मिला था लेकिन सत्ता का अहंकार हो गया। राम रावण की कहानियां भी हमने सुनी है कि कैसे उसका अंत हुआ। हिरण्यकश्यप को भी अहंकार हो गया था, हमने हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की भी कहानियां सुनी है। कंस को भी अहंकार हो गया था। इस देश के अंदर जब जब सत्ता जिसको मिली है और सत्ता के अहंकार में चूर हुआ है, उसने सबको खत्म करने का अभियान चलाया। इतिहास लेकिन गवाह है कि खत्म वही हुआ है। 31 मार्च रामलीला मैदान से भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और पूरी भारतीय जनता पार्टी आज इस दबाव में है, क्योंकि अब जनता के दिलों में एक ही आवाज उठ रही है, ये अब हदें पार हो रही हैं, ये तानाशाही का इंतहा हो रहा है, और इसके खिलाफ ये जो लड़ाई शुरू हुई है ये लड़ाई जारी रहेगी। इस लड़ाई को लेकर के हम लोग और पूरे देश भर में जाएंगे। इसके लिए पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि हम इस अभियान को और तेज करने के लिए, अरविंद केजरीवाल की जो ये लड़ाई है उसको और समर्थन देने के लिए, लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए, जिससे इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा जा सके, इसके लिए 7 अप्रैल को पूरे देश भर में सामूहिक उपवास किया जाएगा। 7 अप्रैल को जो लोग भी अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ हैं, जो लोग भी इस देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, जो लोग भी इस देश में लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, जो लोग इस देश के अंदर जो ये अत्याचार और अन्याय हो रहा है उसको रोकना चाहते हैं, जो लोग इस देश से मोहब्बत करते हैं, उन सभी लोगों से ओपन कॉल है कि आप अगर अपने घर पे चाहें आप अपने घर पे सामूहिक उपवास कर सकते हैं, अगर अपने गांव में चाहें अपने गांव में सामूहिक उपवास कर सकते हैं, अपने मोहल्ले में चाहें अपने मोहल्ले में सामूहिक उपवास कर सकते हैं, अपने ब्लॉक मुख्यालय पर अगर करना चाहते हैं अपने ब्लॉक मुख्यालय पर आप अपना उपवास कर सकते हैं,
तहसील मुख्यालय पे आप उपवास कर सकते हैं, जिला मुख्यालय पे आप उपवास कर सकते हैं, प्रदेश के राजधानियों में आप उपवास सामूहिक रूप से कर सकते हैं। इसी तरह से पूरे देश के अंदर जहां भी आप अरविंद केजरीवाल की इस लड़ाई में आप साथ देना चाहते हैं तो आप 7 अप्रैल को देशव्यापी ये उपवास का कार्यक्रम होगा, उसमें आप सहभागी बने, अपने अपने जगह पे उपवास करें। उसी तरह से पूरे देश में 7 तारीख को जैसे सामूहिक उपवास होगा इस गिरफ्तारी और तानाशाही के खिलाफ, दिल्ली के अंदर 7 अप्रैल को जंतर मंतर पे 11 बजे से सामूहिक उपवास किया जाएगा। दिल्ली में जो जंतर मंतर पे सामूहिक उपवास होगा, जिस सामूहिक उपवास में हमारे दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, सभी विधायक, सांसद, हमारे सभी पार्षद जो पदाधिकारी हैं वो सभी लोग शामिल होंगे। ये जो सामूहिक उपवास का जंतर मंतर पे कार्यक्रम होगा ये ओपन कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में सभी, चाहे वो छात्र संगठन हो, युवा संगठन हो, मजदूर संगठन हो, किसान संगठन हो, व्यापारी संगठन हो, सामूहिक जो सामाजिक संगठन है, RWA हैं, जो भी इस गिरफ्तारी के विरोध में है, तानाशाही के विरोध में है, लोकतंत्र की रक्षा करना चाहता है, संविधान की रक्षा करना चाहता है, सभी लोगों को ये कॉल है कि सभी लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली में 7 अप्रैल को 11 बजे जंतर मंतर पहुंचें। वहां सभी लोग मिल करके हम सामूहिक उपवास करेंगे और वहां पे प्रार्थना करेंगे। देश भर में जहां जहां भी आप सामूहिक उपवास पे बैठ रहे हैं, अगर आप खुद बैठ सामूहिक रूप से भी प्रार्थना कर सकते हैं, और नहीं तो अपने मोबाइल में यूट्यूब पे जा करके रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, ये जो भजन है इसको आप अपने मोबाइल पे यूट्यूब से आप वहां पे सुन सकते हैं, सामूहिक रूप से गा सकते हैं। सभी मिल करके ये प्रार्थना करेंगे कि अरविंद केजरीवाल को शक्ति मिले और अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर रहते हुए इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ सकें, इस तानाशाही के खिलाफ लड़ सकें, सच्चाई को सामने लाने के लिए लड़ सकें। ये पूरा अभियान जो है पूरे देश भर में ये 7 तारीख को किया जाएगा, जिससे इस लड़ाई को और व्यापक और देश भर के लोगों को इसमें जोड़ा जा सके और सभी लोग मिल करके इस लड़ाई में शामिल हों और इस तानाशाही को खत्म करने के लिए अरविंद केजरीवाल का साथ दें। इसके लिए ये अभियान शुरू किया गया है। आप देश भर में, चाहे अपने घर पे, अपने गांव में, अपने कस्बे में, तहसील में, जिला में, प्रदेश में, कहीं भी सामूहिक उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना सभा कर रहे हैं, आप उसकी तस्वीरें, आप उसके बारे में जो कुछ भी है वो केजरीवाल को आशीर्वाद.com पर आप उसकी सूचना, वो रिपोर्ट, उसकी फोटो खींच करके आप उस पर आप भेज सकते हैं, जिससे कि आप भी अरविंद केजरीवाल की इस लड़ाई में आप सहयोगी बन सकें। ये लड़ाई अरविंद केजरीवाल की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, अरविंद केजरीवाल की लड़ाई है इस देश को बचाने की, अरविंद केजरीवाल की लड़ाई है इस संविधान को बचाने की, अरविंद केजरीवाल की लड़ाई है इस लोकतंत्र को बचाने की, अरविंद केजरीवाल की लड़ाई है इस तानाशाही की, अत्याचार और ज्यादती के खिलाफ। अगर आप ये मानते हैं कि इस देश के अंदर सरकार अपने अहंकार में आकर के सबके जुबान को बंद करना चाहती है, सबके दिलों में दहशत फैलाना चाहती है, तो आप भी इस देश के अंदर इस तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने, इसके लिए ये अभियान अब ये आगे 7 तारीख से आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन हो तो ये वेबसाइट है पहले से, ये कार्यक्रम जो है सामूहिक उपवास का रहेगा 7 तारीख का। वहां पे जैसा मैंने कहा कि लोग अपना प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे और इस उनको आशीर्वाद दे। नहीं, ओपन फॉर ऑल है ये, किसी ना तो आम आदमी पार्टी का कोई लिमिटेशन है, ना इंडिया गठबंधन का लिमिटेशन है, किसी भी पार्टी का कोई भी है, अगर वो मानता है कि ये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ज्यादती है,
ये ज्यादा हो रहा है, ये तानाशाही है, सबके लिए ये खुला है, कोई भी इस तानाशाही के खिलाफ अपना सामूहिक उपवास करके अपना आशीर्वाद समर्थन दे सकता है। ओपन कॉल है, पूरे देशवासियों के लिए कॉल है। इस अभियान का जो पहला चरण था सीएचपीवाई पे उसका क्या रिस्पांस रहा, जो व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया था, कितने मैसेज आए, अगर उसकी जानकारी। वो जो व्हाट्सएप नंबर जारी हुआ था वो दो दिन बाद क्रैश हो गया था, बंद हो गया था, उस पर जितना सारा रिपोर्ट आई थी तो व्हाट्सएप नंबर तो बंद हो गया था। अब ये सारा जो है केजरीवाल को आशीर्वाद .com पर, इसीलिए आज हमने दोबारा उसको किया है कि इस पर ही सारे लोग भेजें। सभी लोगों के लिए कॉल है, उसमें किसी के लिए लिमिटेशन नहीं है। नहीं, वहाँ पर एक और सवाल है सर। हाँ सर, सेहत को लेकर जो 4.5 किलो वजन किया है वो आतिशी जी ने ट्वीट भी किया है, और उस पर तिहाड़ जेल का कहना है कि उनका वजन 55 किलो था और 55 किलो ही है और उनकी स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, ये तिहाड़ में। नहीं, तिहाड़ में तो अभी गए हैं वो, जब ईडी की कस्टडी में रहे हैं, ईडी की कस्टडी में जिस दिन गए थे उस दिन के बाद से और अब तक उसमें जो है वजन में कमी आई है। तिहाड़ में गए हैं तो तिहाड़ ने तिहाड़ का लिया होगा। थैंक यू सर, बाय। करेंगे।